मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। आज मुझे जल्दी जाना था ऑफिस, तो मैं 11 बजे तैयार हो गया था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मुझे घर पे रुकना है। और सब ने मेरे कज़न वगैरह जो आए कज़न आए हुए हैं, फूफो आई हैं, सब उन्होंने सब ने जाना है शादी में, सारे अंकल्स वगैरह ये वो, तो घर पे मुझे रुकना पड़ा। मुझे एक दो काम थे, ऑफिस भी जाना था मैंने, तो अब मैं घर पे हूँ, वेट कर रहा हूँ। जब वो लोग आएंगे तो उसके बाद शायद मैं जाऊँगी। तो साथ वाले घर में काम हो रहा है, तो मैं उससे पहले एक जल्दी से सैंडविच खा लूं और फिर मैं जाऊंगा। हसान खान टीवी की सक्सेस ने मुझे एक दो लेसन दिए हैं। हसान खान टीवी की जो प्रोग्रेस है माशाल्लाह, वो 3-4 सब्सक्राइबर रोज़ाना उस पर आ रहे हैं, और सिर्फ एक वीडियो रैंक हुई है उसकी, बहुत ज़्यादा जो अच्छी रैंक हुई है। तो मुझे ये लेसन मिला, मेरा पॉइंट जो है नेटिव लैंग्वेज में यूट्यूब वीडियोस का, जो मेरा पॉइंट है जो जिसकी मैं ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि मैं मतलब मैं ये नहीं कहता कि मेरा पॉइंट ठीक है, बाकी जो इंग्लिश में ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनका पॉइंट गलत है, मैं बिल्कुल भी नहीं ये बात नहीं करता। ना कभी आपने आई थिंक सुना होगा मेरे से ब्लॉग्स में बात करते हुए कि जी कि इंग्लिश में ब्लॉगिंग करना गलत है, उर्दू में ब्लॉगिंग करना सही है, ये बात नहीं है। नेटिव लैंग्वेज में ब्लॉगिंग करना मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता उर्दू में या इसमें, या जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें करें आप, या जिस ऑडियंस के लिए आप करना चाहते हैं फिर उनकी नेटिव लैंग्वेज में करें। तो हसान खान टीवी पे वो स्पेसिफिकली पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए मैंने बनाया था चैनल, उस पर ज़ाहिर है उर्दू में ही मैं बनाता हूँ वीडियोस। जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में बनाते हैं ना, तो एक ओरिजिनलिटी आती है उस कंटेंट के अंदर। और आप अगर नेटिव लैंग्वेज में नहीं बना रहे तो एक ओरिजिनलिटी नहीं होती, और दूसरा कि आप चांसेस होते हैं कि किसी एक पॉइंट पे जाके आप बोर हो जाएं। अब सर्दी हो रही है, इसलिए मैं ये अपना आपको नजर नहीं आ रहा होगा शायद, इधर धुंध फील हो रही है, फुल धुंध है, सामने वाले घर नजर नहीं आ रहे इस वक्त, फुल धुंध हुई भी है, फुल धुंध है इस वक्त। मैं ट्राईपॉड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा किधर है, आज काफी धुंध हो रही है। सुबह भी धुंध होगी, कल भी लगता है सुबह तक धुंध होगी। मैंने दिखानी तो आपको थी धुंध, ट्राई करता हूँ। वो देखें सामने सामने शॉप पे जो है लाइट कैसी धुंधली नज़र आ रही है, लगता है सुबह कम हो जाएगी धुंध, सुबह शायद कम हो जाए धुंध, तो सुबह मिलेंगे। एंड आई एम बैक। आज अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट डे है, अब मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मुझे एक दो काम करने हैं बाहर के, तो अब मैं जाने लगा हूँ बाहर। मैं आया हूँ गोल में, एक बेकर्स है, यहाँ से मुझे बर्फी बाय करनी है। ये तो स्पेशल मेरे व्लॉग के लिए नहीं है, ये घर पे चाहिए, घर पे आपको पता है मेहमान आए हुए, इसकी चाहिए बर्फी। ये समनाबाद में कई हैं यहाँ पर बेकर्स, मैंने सोचा कि इनकी इस ब्रांच में आके देखता हूँ। मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको?
बाहर जनरेटर चल रहा है, शोर बहुत है यहाँ। गवर्नमेंट वालों ने अपनी पल्पी निकाल ली है, पल्पी ऑरेंज की तरह हो गया। ये सूजी का हलवा है, खा रहा हूँ। ये रोटी है ताफ्तान, स्पेशल रोटी है लाहौर से। जब मेरी फुप्पो है, जब वो आती हैं तो वही लेकर आती हैं रोटियाँ काफ़ी सारी। ये बड़ी रोटी होती है, काफ़ी हैवी होती है। ये मैंने उसका एक पीस आपको दिखाया है, अगर आप लाहौर से हैं तो आपको पता होगा इसका। बड़ी मज़ेदार होती है ये, और मैं इसको चाय के साथ खाता हूँ। मीठी होती है ये, और इसको घी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसके अंदर ऑयल होता है, काफ़ी ऑयली सी है ये। इसको खाली तवे पे गर्म करते हैं तो ये इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा घी निकलता है और ये खुद ही नरम हो जाती है। जब हम कभी शॉप किसी ये स्वीट एंड बेकर्स वगैरह पे या इस तरह की जगह पे कहीं जाते हैं ना, सिवाय गारमेंट्स और फैशन एक्सेसरीज के अलावा हर जगह पे बड़ा अजीब समझा जाता है। कोई व्लॉग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं व्लॉग शूट करता हूँ या व्लॉग का कोई क्लिप वहाँ पे शूट करता हूँ तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ हैरानी होती है उनके लिए, बड़ी हैरान कौन चीज़ होती है कैमरे से क्यों बात कर रहा होती। दूसरी चीज़ ये होती है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये क्यों इस तरह शूट कर रहे हैं। तीसरी चीज़ उनको ये खौफ होता है कि ये कोई हमारी यहाँ पे कोई कंप्लेन ना करने वाले हो, कोई कंप्लेन ना करने वाला हो ये हमारी यहाँ पे ये चीज़ की, कि ये फुटेज बना के ले जाए और कोई कंप्लेन कर दे। वो काफ़ी अब वो चल रहा है ना पाकिस्तान में, वो फूड अथॉरिटीज़ की तरफ से ये स्ट्रिक्टनेस है काफ़ी, स्टैंडर्ड मेंटेन करने पे और इस तरह की चीज़ों से फिर ये लोग घबराते हैं थोड़ा सा। ख़ासतौर पर खाने वाली जो सारी ये है ना जगहें, इन पर ये चीज़ ये लोग ना फूड अथॉरिटी वालों से काफ़ी घबराते हैं। और दो तीन चीज़ें ये मिक्स करके ना ये इन लोगों के जहनों में एक फियर होता है कि इसलिए ये ना थोड़ा सा रिटेलिएट भी करते हैं। जब अगर आप व्लॉग शूट कर रहे हो ना पाकिस्तान में और आप किसी बेकर्स पे जाएँ या स्वीट या किसी मिठाई वाली दुकान पे जाएँ या कोई छोटी जैसे फास्ट फूड टाइप जगह होती है वहाँ जाएँ, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ या वो कहेंगे या कि हमें शूट ना करो यहाँ पे, ये रिकॉर्डिंग ना करो, या कहेंगे ये ना करो, या फिर पूछेंगे यार ये क्या आप कर रहे हो, ये किस लिए बना रहे हो, ये मतलब इस तरह थोड़ा सा ना वो इंटरोगेशन टाइप फीस करते हैं आपके साथ। और अगर आप जाएँ किसी जैसे अच्छे मॉल में, कोई पोश एरियाज में, कोई अच्छी शॉप पर जाएँ, आपको मतलब वेलकम करते हैं, वो थोड़ा सा उनके लिए इतनी हैरान कन चीज़ नहीं होती, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। ये आपको थोड़ा सा जल्दी से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे शूट करना है और कहाँ पे आपको शूट नहीं करना। और आपको ज़ाहिर फाइट में नहीं जाना, आपको बहस नहीं करनी उनके साथ, किसी के साथ भी जो आप कहें उसको समझाने की कोशिश करें कि मसलन आपको कहता है कि भाई यहाँ पर शूट ना करो यार, यहाँ पर रिकॉर्डिंग ना करो, आप कोशिश कर लें, ठीक है। आप उनको ज़रा सा बताने की कोशिश करें कि बड़े आराम से, बड़े प्यार से कि यार देखें भाई, ये देखें कि ये ना मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ, मेरा चैनल है YouTube पे, तो मैं डेली लाइफ की वीडियो बनाता हूँ। अगर आप उनको बताएंगे ना यार ये मैं अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो पहले तो उनको व्लॉग का नहीं पता कि व्लॉग क्या है, तो वो कहेंगे यार पता नहीं क्या साइंस लड़ा रहा है, ये छोड़ो इसको, ये बंद कर दो यार, बंद कर दो। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है ना कि यार चीज़ समझनी नहीं है, जो चीज़ समझना है उसको उठा के फेंक दो, समझना नहीं है। तो बड़े प्यार से बताएं कि ये ना मैं YouTube के लिए रोज़ाना मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी डेली रूटीन की, तो ये इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपकी किसी ख़ास चीज़ की वीडियो नहीं बना रहा, आपकी कीमतों की वीडियो नहीं बना रहा, आपकी कस्टमर्स की वीडियो नहीं बना रहा, आप कहेंगे तो आपकी भी नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपनी बना रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता हूँ
डिफरेंट काम करते हुए, जब आसान अल्फाज में समझाएंगे ना तो फिर चांसेस हैं कि वो आपको बनाने देंगे वहाँ पे व्लॉग, और आप जल्दी से शूट करके कोशिश करें आप बैकग्राउंड पे उनके कस्टमर्स वगैरह ना आ रहे हो, जरा एक साइड पे हो गए एक कॉर्नर पे हो गए, आप अपनी अपना जो भी एक मिनट का क्लिप आपने शूट करना है वो आप शूट कर लें। तो ये मेरा ख्याल, आप अगर आप पाकिस्तानी व्लॉगर हैं या व्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी, और मैंने इसलिए आपको ये चीज़ बताई है। कितनी देर का रास्ता था? कब तक वापसी होगी? बस थोड़ी देर में ही चलने लगे, अभी हम गए थे बाग में अमरूद और किन्नू वगैरह के। बाग में गए थे? सबने तोड़े तोड़े सबने तोड़े शोभा तोड़े। अच्छा, कौन किस किस चीज के, किस किस चीज के बाग थे? किन्नू के थे, गन्ने के थे। किन्नू तोड़े या सिर्फ गन्ने तोड़े? किन्नू और अमरूद। वो व्लॉग शूट किया है? व्लॉग शूट नहीं किया। नहीं तो उधर शूट करते हुए तोड़ते हुए बाग में शूट कर लेते। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सरान जहांगीर और बाकी सब और रिलेटिव्स वगैरह सारे मिलके गए हैं एक ही जगह बस वगैरह में। तो मैं नहीं गया क्योंकि मैं अकेला घर पे रुका हूँ, और मुझे कुछ काम भी थे वैसे। जहांगीर आ चुका है शादी में से, सरान और जहांगीर सब बाकी भी उसका सारे कजन्स वगैरह सारे वापस आ गए अपने अपने घरों में। हाँ जहांगीर, कैसी रही शादी? बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया। क्या क्या किया वहाँ? पहले तो गए शादी में जहाँ थी, फिर उसके बाद खाने कितने खाए? खाने सारे खाए जो जो पिछले व्लॉग में तुम यही कह रहे थे ना। क्या क्या खाया था? कोरमा था और चावल थे। अच्छा, ग्रीन टी थी, चिकन पकौड़ा था। ये बड़ी चीज़ें थी। अच्छा बस जी, अच्छी रही शादी इसका मतलब है। लाइट कब लग गई? ये अभी एक महीना हुआ है, दो ये दो लाइटें नहीं थी, दो फिर ये बनवाए थे स्टैंड। पहले ये ना कि लाइट कम होती थी यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए, यहाँ पे कम रहती थी लाइट, अब इससे लाइट का सिस्टम सही हो गया। कल तुमने लाहौर चले जाना है? जी दोस्तों, मैं इस ब्लॉग में एंड कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि अब व्लॉग मिस ना करूँ, बनाता रहूँ व्लॉग, और अब मंथ का मिड आ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर काम बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है ज़ाहिर है मंथ के मिड में, फिर 15 के बाद 20 और आखिरी हफ्ते में ज़रा मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि काम फिनिश करना पड़ता है, वादे पे काम अपना डिलीवर करना पड़ता है। और एक तो चीज़ और, एक तो और अपडेट्स हैं वो बाद में आपको बताऊंगा, वो अभी इतनी ज़रूरी नहीं है वो सारी चीज़ें, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं। मैंने शायद आपको हिंट दिया हो पहले भी कि एक नया प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका बताऊँगा आपको। अभी उस पर कोई इतना अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर आप लोगों को अपडेट ज़रूर करूँगा। बाकी मैं व्लॉगिंग डॉट पी के का आपको बताता रहता हूँ, मैं अब नए नए आर्टिकल उस पर पब्लिश हो रहे हैं, चेक करते रह गए हैं व्लॉगिंग डॉट पी के खोल के www.vlogging.pk। अगर आपको व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान में, तो vlogging.pk बेस्ट ब्लॉग है, सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें,
फायदा होगा आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, स्टे पॉजिटिव एंड परस्यू द पैशन। अल्लाह हाफिज़।